गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे लाइम एंड सोडा प्रोसेस। लाइम एंड सोडा प्रोसेस किस चीज के लिए यूज करते हैं हम? फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग मतलब कि जो वाटर है, वाटर सॉफ्टनिंग, जो हार्ड वाटर है, पिछले लेक्चर में हमने किया था कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो जो हार्ड वाटर है उसमें से जब हम सॉल्ट रिमूव कर देंगे, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट जब हम रिमूव कर देंगे, तो जो सॉल्ट होता है, जो वाटर होगा, उसको हम कहेंगे सॉफ्ट वाटर, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे वाटर सॉफ्टनिंग। तो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? लाइम एंड सोडा प्रोसेस। लाइम एंड सोडा प्रोसेस में होता क्या है, हम क्या करते हैं, जिस भी वाटर को हमने सॉफ्ट करना है या जिस वाटर से हमने हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट को रिमूव करना है, उस वाटर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे वाटर प्लस उसमें ऐड करेंगे हम लाइम, क्लियर, प्लस देन सोडा प्लस सम कोगुलेंट, क्लियर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम? लाइम इज CaOH ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज सोडा? सोडा इज Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। एंड व्हाट इज कोगुलेंट? कोगुलेंट क्या होता है, ये हम जब हम अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी कोगुलेंट हम क्यों ऐड करते हैं और कोगुलेंट होता क्या है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, लाइम एंड सोडा प्रोसेस के लिए वाटर लिया, उसमें लाइम ऐड कर दिया, सोडा ऐड कर दिया, कोगुलेंट ऐड कर दिया। लाइम और सोडा का फॉर्मूला ये है, क्लियर है। लाइम सोडा प्रोसेस भी टू टाइप्स की है, एक आपका हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, क्लियर, एंड सेकेंड इज कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, क्लियर। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस का मतलब है कि जब हमने वाटर में ये सब ऐड किए सब, ठीक है, तो फिर हम उस सारे मिक्सचर को हीट कर रहे हैं, या उस एपरेटस में, जिस भी एपरेटस में हमने ये सब ऐड किया है, उसमें जब हम हीटिंग कर रहे हैं तो वो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस हो गया। और जब नॉर्मली हम लाइम सोडा प्रोसेस को रूम टेम्परेचर पर करवा रहे हैं तो दैट इज कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। मतलब दिस प्रोसेस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस जो है दैट विल बी एट रूम टेम्परेचर, एंड हॉट लाइम सोडा प्रोसेस मतलब हम हीटिंग करेंगे, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके यहाँ पे हीटिंग होगा। तो ये हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, ये कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, जो भी अपरेटस है जिसमें हम वाटर डाल रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, लाइम ऐड कर देंगे, सोडा कोगुलेंट, और ऐसे हमारे जो हार्ड वाटर है, दिस वाटर इज हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर आपको पता है, ये पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था कि हार्ड वाटर जो सॉल्ट कंटेनिंग हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट जो है, ठीक है, उस वाटर को हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ लाइम रिमूव द हार्डनेस एंड हाउ सोडा रिमूव हार्डनेस एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडिंग कोगुलेंट, क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एडिंग लाइम, फंक्शन कि लाइम जो है वो कैसे रिमूव करेगा हार्डनेस को। तो सबसे पहले आ गया फंक्शन ऑफ लाइम, फंक्शन ऑफ लाइम, और लाइम का फॉर्मूला CaOH ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। अब देखो हार्डनेस हमने पढ़ी थी टू टाइप्स की है, टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस। तो सबसे पहले हम टेम्पररी हार्डनेस से स्टार्ट करते हैं कि जो लाइम है, क्या अगर वाटर में टेम्पररी हार्डनेस वाले सॉल्ट प्रेजेंट है तो लाइम उसको रिमूव करता है कि नहीं करता है, क्या वो रिएक्शन देगा। तो सबसे फर्स्ट हम करते हैं रिमूवल ऑफ अब टेम्पररी हार्डनेस भी टू टाइप्स की है, एक टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस वाले सॉल्ट होते हैं, एक टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस वाले और एक टेम्पररी मैग्नीशियम हार्डनेस वाले। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस देख लेते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हार्डनेस का कोई भी हम सॉल्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया हमने, ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस होती है इससे, प्लस इसमें ऐड किया हमने लाइम CaOH ट्वाइस, क्लियर है। तो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, विल बी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट,
क्लियर है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है लाइम और सोडा प्रोसेस का प्रिंसिपल है क्या कि जो वाटर में सोल्यूबल फॉर्म में जो सॉल्ट है, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है जो वाटर में सोल्यूबल फॉर्म में है, ठीक है। ऑब्वियस है पानी में, पानी जब आप देखते हो नॉर्मली तो उसमें आपको सॉल्ट दिखाई तो नहीं देते क्योंकि सॉल्ट जो है वो सोल्यूबल फॉर्म में होता है। तो लाइम ने क्या किया, जो सोल्यूबल फॉर्म में सॉल्ट है उसको किसमें कर दिया, इनसोल्यूबल फॉर्म में। और इनसोल्यूबल फॉर्म मीन्स इसके क्या बना दिए, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को हम अलग से निकाल सकते हैं, वॉटर में से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स जो टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस थी वो किसमें चेंज होगी, कैल्शियम कार्बोनेट में। और सोल्यूबल फॉर्म किसमें चेंज होगी, इनसोल्यूबल फॉर्म में। तो जो सोल्यूबल था वो इनसोल्यूबल में चेंज हो गया, इनसोल्यूबल को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इट मीन्स लाइम विल रिमूव टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस, क्लियर है। वैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीशियम की टेम्पररी हार्डनेस को, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, क्लियर। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस लाइम CaOH ट्वाइस, क्लियर। अब क्या बनेगा, फॉर्मूला विल बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के भी क्या बनेंगे, PPTs से, क्लियर। प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इट मींस जब हमने रिएक्शन देखा तो लाइम ने पहले कैल्शियम की टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर दिया, अब सेकेंड हमारा टेम्पररी मैग्नीशियम हार्डनेस हम देख रहे हैं। तो यहां पर लाइम ने मैग्नीशियम की टेम्पररी हार्डनेस को भी रिमूव कर दिया क्योंकि जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था अब वो किसमें चेंज हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट पे। तो इट मींस लाइम विल रिमूव बोथ टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस एंड टेम्पररी मैग्नीशियम हार्डनेस। बट जब हम यहाँ पर मैग्नीशियम की टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, कैल्शियम की टेम्पररी हार्डनेस। तो इट मींस, और लाइन जो है वो कैल्शियम की टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करता है। तो इट मींस जब हम ये वाला रिएक्शन लिखेंगे फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्पररी मैग्नीशियम हार्डनेस तो उसमें पहले ये रिएक्शन होगा, फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, दिस विल फॉर्म MgOH ट्वाइस प्लस CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारे पास हार्डनेस बनी इससे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से, उसको भी रिमूव करने के लिए आपका लाइम यूज होगा, ठीक है। तो दिस विल फॉर्म CaCO3 प्लस वाटर, क्लियर है। तो इट मींस कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए लाइम में एक ही बार यूज हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। बट फॉर द रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम टेम्पररी हार्डनेस लाइम अपने पास कितनी बार यूज है, 2 times, ठीक है। पहले उसने बाइकार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज किया, फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गया। तो इसीलिए जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो लाइम एंड सोडा प्रोसेस में और उसमें अगर टेम्पररी मैग्नीशियम हार्डनेस गिवन होती है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो हमेशा उस वैल्यू को। ये क्लियर रखना कि जब भी आपको न्यूमेरिकल में मैग्नीशियम की टेम्पररी हार्डनेस गिवन होगी तो उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि लाइम जो है 2 times रिएक्ट करता है फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्पररी मैग्नीशियम हार्डनेस। तो इट मींस क्या हो गया कि लाइम जो है दैट विल रिमूव टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस एज वेल एज टेम्पररी मैग्नीशियम हार्डनेस। ये तो हो गया टेम्पररी हार्डनेस का। अब सेकेंड देखते हैं कि परमानेंट हार्डनेस का क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइम, क्या लाइम जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम का देख लेते हैं, सेकेंड इज रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब परमानेंट हार्डनेस के लिए पहले मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस लेते हैं। सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया हमने, प्लस ये ले लिया हमने लाइम CaOH ट्वाइस, तो हमारे पास क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, विल बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड। तो इट मींस वाटर में जो मैग्नीशियम क्लोराइड था वो तो खत्म हो गया, तो मतलब लाइम विल आल्सो रिमूव परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस। परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस किसमें चेंज होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसके प्रेसिपिटेट बनेंगे प्लस कैल्शियम क्लोराइड बन गया। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या है, परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस है,
क्लियर है। बट हमारा यह मेन मोटिव था कि मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस को लाइम रिमूव करता है कि नहीं, तो हमने देख लिया कि लाइम जो है वो परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस को रिमूव करता है। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, मैग्नीशियम सल्फेट का ले लेते हैं, सपोज दिस इज ऑल्सो परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस प्लस सी ए ओ एच ट्वाइस, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaSO4। तो इसके तो पीपीटी बनेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, ये सेपरेट आउट हो सकता है। तो इट मींस लाइम विल रिमूव परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस। अब हम देखते हैं कि परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को लाइम रिमूव करेगा कि नहीं। तो एग्जांपल ले लेते हैं CaSO4 प्लस CaOH ट्वाइस। तो अब ये क्या बनाएगा, इसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे CaSO4 प्लस CaOH ट्वाइस। तो इट मींस जो हमने रिएक्टेंट्स लिए वही हमारे पास प्रोडक्ट्स है। कैल्शियम सल्फेट था, कैल्शियम सल्फेट ही वापस मिल रहा है। तो इट मींस लाइम विल नॉट रिमूव परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस। लाइम विल नॉट रिमूव परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस। अगर लाइम परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को रिमूव करता तो लाइम ने यहां पे इसके साथ भी रिएक्ट करना था। क्लियर है? तो यहां से आता है हमारा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडिंग सोडा। What is the function of adding soda? Function का जो soda है उसका यही function है, function of adding soda, function of soda। और soda का formula is Na2CO3। ठीक है, lime जो है वो calcium की permanent hardness को remove नहीं कर सकता, इसीलिए हम soda को add करते हैं। अब देखो सोडा ले लिया हमने Na2CO3 प्लस, अब देखते हैं कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को नहीं रिमूव करता लाइम, सोडा कैसे रिमूव करेगा CaSO4, एंड दिस विल फॉर्म Na2SO4 प्लस CaCO3। तो बन गया हमारे पास CaSO4 था, ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट प्लस CaCO3। इट मींस सोडा विल रिमूव परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस। क्लियर है? लाइम जो है वो परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को नहीं रिमूव करता, इसीलिए हम सोडा ऐड करते हैं लाइम के साथ। क्लियर है? क्लियर हो गया कि हम सोडा क्यों ऐड करते हैं लाइम के साथ? लाइम जो है वो टेम्पररी मैग्नीशियम हार्डनेस, टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस को रिमूव करता है, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस को रिमूव करता है, बट परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को नहीं रिमूव करता, इसीलिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं सोडा। और सोडा जो है वो क्या कर देगा, परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को रिमूव करता है। अब दूसरी बात कि जब हम लिखते हैं कि सोडा कौन कौन से हार्डनेस रिमूव करता है, तो हम उसमें ये भी ऐड कर देते हैं कि सोडा विल आल्सो रिमूव परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस। क्लियर है? वो हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग कैल्शियम की भी परमानेंट हार्डनेस मिल प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या यूज हो जाता है, सोडा। तो इसीलिए हम सोडा में ये भी ऐड कर देते हैं कि सोडा विल आल्सो रिमूव मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस। क्लियर है? तो जब हम लिखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइम और लाइम कौन कौन सी हार्डनेस को रिमूव करता है सोडा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाइम। ठीक है, लाइम कौन कौन से हार्डनेस को रिमूव करेगा, सबसे पहले टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस। टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस को रिमूव करेगा प्लस टेम्पररी मैग्नीशियम हार्डनेस को रिमूव करेगा। ठीक है, टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस को रिमूव करेगा, टेम्पररी मैग्नीशियम हार्डनेस को रिमूव करेगा प्लस परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस को लाइम रिमूव करेगा। परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को लाइम रिमूव नहीं करता, इसलिए हम क्या ऐड करते हैं उसमें, सोडा। तो सोडा क्या रिमूव करता है, परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस। क्लियर है? परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को कौन रिमूव करता है, सोडा। इसमें हम एक और चीज ऐड कर देते हैं, वो हम लिख देते हैं कि परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस को भी, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस को भी जो है सोडा रिमूव करता है। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा कि मैग्नीशियम की जब हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइम, तो क्या बनता है आपके पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड।
तो कैल्शियम की यहाँ पर जो परमानेंट हार्डनेस बन रही है इसको कौन रिमूव करेगा? लाइम तो रिमूव करेगा नहीं, तो इसको सोडा रिमूव करता है, इसीलिए हम सोडा में लिखते हैं परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस। ये तो होगी बात कि लाइम और सोडा कौन कौन सी हार्डनेस को रिमूव करता है, कौन कौन सी को नहीं करता। तो क्या सिर्फ लाइम और सोडा सिर्फ हार्डनेस को रिमूव करता है? नो, अगर आपके पास वाटर में CO2 प्रेजेंट है, कोई गैस प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको भी लाइम रिमूव करेगा। कोई आपके पास एसिड प्रेजेंट है, मिनरल एसिड अगर वाटर में प्रेजेंट है तो उसको भी लाइम रिमूव करता है। अगर आपके पास कोई डिसॉल्व सॉल्ट है, कोई और सॉल्ट है, फॉर एग्जाम्पल FeSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट, ऐसे अगर कोई सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसको भी लाइम या सोडा रिमूव करेगा। इनका हम रिएक्शन लिख कर देख सकते हैं कि वेदर लाइम विल रिमूव CO2 और नॉट, सोडा विल रिमूव CO2 और नॉट, गैस रिमूव करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ से रिएक्शन देखते हैं, लाइम CaOH2 प्लस, अब गैस हमने लिख ली CO2, कि CO2 को रिमूव करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां से जब हम रिएक्शन देखेंगे तो ये बनेगा CaCO3+H2O, तो इट मींस लाइम विल रिमूव गैस। अगर CO2 की जगह हम कोई और गैस ले लेते हैं, सपोज H2S, तो H2S ले लिया, तो यहां पे क्या बना? कैल्शियम सल्फाइड, तो CaS बन गया, CaS+H2O। तो मतलब लाइम विल रिमूव द गैस प्रेजेंट इन वाटर। यहाँ पे कोई परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस तो बन ही नहीं रही, तो परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस नहीं बन रही, तो इसीलिए जो गैस है उसको सिर्फ लाइम ने रिमूव कर दिया पूरा, तो सोडा में ऐड नहीं होगी गैस, ठीक है। अब दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई एसिड प्रेजेंट है, ये आपके पास है CaOH2 प्लस, अगर आपके पास कोई एसिड प्रेजेंट, सपोज सल्फ्यूरिक एसिड हमने ले लिया, तो इसमें क्या बनेगा आपके पास? CaSO4+2H2O, ये बन गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड को तो लाइम ने रिमूव कर दिया, तो इट मींस हम लाइम में ऐड कर देंगे कि एक तो वो कोई भी गैस प्रेजेंट हो उसको रिमूव कर लेगा, प्लस अगर आपके पास कोई एसिड प्रेजेंट है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ले लिया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल ले लिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम ने रिमूव कर दिया, तो इट मींस कोई भी मिनरल एसिड हो, मिनरल एसिड लिखेंगे, कोई भी मिनरल एसिड अगर है तो उसको लाइम रिमूव कर देगा। बट मिनरल एसिड के साथ जब लाइम रिएक्ट कर रहा है तो उसके साथ क्या बन रहा है? परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस, और इस परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को कौन रिमूव करेगा? सोडा। तो इसीलिए हम सोडा में भी लिखते हैं प्लस मिनरल एसिड, क्योंकि मिनरल एसिड को रिमूव करने के लिए आपका सोडा भी यूज होगा। क्यों यूज होगा? यहाँ पे एसिड को तो लाइम ने रिमूव कर दिया, बट एसिड की वजह से जो परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस बनी उसको कौन रिमूव करेगा? आपका सोडा। तो इसीलिए लाइम ने अपना रिएक्शन कर दिया, अब ये जो CaSO4 बना इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? आपका सोडा है, Na2CO3+CaSO4 विल गिव Na2SO4+CaCO3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लाइम में ये सारी हार्डनेसेस रिमूव कर देगा लाइम, ठीक है, और सोडा ये सारी करेगा रिमूव, ठीक है। सोडा ने क्या किया? जो जो हार्डनेस लाइम नहीं रिमूव करेगा उसको कौन रिमूव कर देगा? सोडा। और सोडा मेन कौन से हार्डनेस को रिमूव करता है? परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को, क्लियर है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइम एंड सोडा। हमने एक और चीज इसमें ऐड की थी, दैट इज कोगुलेंट, ठीक है, और कोगुलेंट हम यूज कर सकते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, NaAmO2, क्लियर है। सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है, कोगुलेंट का क्या फंक्शन होता है, अभी हमने इसमें स्टडी किया और मैंने अभी बताया कि CaCO3 है उसके क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट। कोई भी जो सोल्यूबल फॉर्म है सॉल्ट की वो किसमें चेंज हो गए? इनसॉल्यूबल फॉर्म में। तो इनसॉल्यूबल फॉर्म क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट। तो ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ठीक है, तो सारे वाटर में फैले होते हैं, तो इन प्रेसिपिटेट्स को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, कि सारे प्रेसिपिटेट जो इधर उधर वाटर में कहीं डिपॉजिट हो रहे हैं या वाटर में कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, उन सब प्रेसिपिटेट्स को इकट्ठा कर एक जगह पे इकट्ठा कर एक कोई हैवी पार्टिकल बना दे, ठीक है, तो वो चीज कौन करेगा? कोगुलेंट। कोगुलेंट का फंक्शन ही यही होता है कि
कि ये क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा कर एक बड़ा हैवी पार्टिकल बना देता है और पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है नीचे, क्लियर है। तो ये फंक्शन कॉग्नेंट यहाँ पे क्या करेगा, जो प्रेसिपिटेट बन रहे आपके छोटे छोटे, वो सारे उन सारे प्रेसिपिटेट्स को कॉग्नेंट क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और एक बड़ा प्रेसिपिटेट बना देगा, और जो बड़ा प्रेसिपिटेट बन गया वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और इकट्ठे होके सारे प्रेसिपिटेट जो भी आपका एपरेटस है उससे हम इजिली उन प्रेसिपिटेट्स को निकाल सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन ऑफ एडिंग कॉग्नेंट, क्लियर है। तो लाइम सोडा प्रोसेस में क्या क्या हुआ, लाइम ऐड किया, सोडा ऐड किया, कॉगुलेंट ऐड किया, लाइम को हमने ऐड किया, तो लाइम का क्या फंक्शन है कि वो टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस, टेम्पररी मैग्नीशियम हार्डनेस, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस को रिमूव करेगा, कोई गैस प्रेजेंट है उसको रिमूव करेगा, मिनरल एसिड को प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करेगा, कोई सॉल्ट अगर प्रेजेंट है, अगर आपके पास FeSO4 फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम सल्फेट प्रेजेंट है, ऐसे जो डिजॉल्व सॉल्ट्स और भी है उनको भी रिमूव करेगा। तो जो जो हार्डनेसेस लाइम रिमूव करता है वो हमने ये ली थी, जो जो हार्डनेस सोडा, सोडा का फंक्शन ही यही है कि वो परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को रिमूव करता है, तो परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस हमने ऐड कर दी, प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस। परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस को लाइम तो रिमूव करता ही है, बट परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस की वजह से जो परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस बनी है उसको रिमूव करता है सोडा, इसलिए हम यहाँ पे परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस भी ऐड करते हैं, प्लस वैसे ही मिनरल एसिड, क्लियर है, ठीक है। तो मिनरल एसिड भी लाइम तो रिमूव करता ही है, बट मिनरल एसिड की वजह से जो परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस बनी है उसको कौन रिमूव करेगा, सोडा, तो इसीलिए हम यहाँ पर मिनरल एसिड जो है उसको हम सोडा में भी ऐड करते हैं। तो ये हो गया आपका लाइम और सोडा का प्रोसेस, और बेसिकली जो भी सॉल्ट्स, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लाइम सोडा प्रोसेस जो है उसको एम्प्लॉय करते हैं, और कॉगुलेंट हम किसके लिए ऐड करते हैं कि जो भी छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक बड़ा प्रेसिपिटेट बनकर वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए और उनको इजीली रिमूव कर रहे हैं, इसलिए हम क्या ऐड करते हैं, कॉगुलेंट। अगर कॉगुलेंट हम नहीं ऐड करते तो प्रेसिपिटेट क्या हो जाएंगे, इधर उधर फैल जाएंगे सारे, ठीक है, कहीं कहीं डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे आपका जो भी बॉयलर है वो खराब हो सकता है। मेनली बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या होता है, बॉयलर इंप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से स्टीम जनरेट होती है, क्लियर है। तो ये था आपका लाइम सोडा प्रोसेस जो कि यूज होता है वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, मतलब वाटर में से जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है उनको रिमूव करने के लिए। तो फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ लिया लाइम सोडा प्रोसेस, सेकेंड आपका है डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस।